नमस्कार, इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और करनाल की टिम्बर मार्केट के जो सभी व्यापारी हैं वो आप लोग देख सकते हैं आज धरने पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ कारण है, क्यों आज अपनी दुकानें बंद करके यहाँ पर बैठे हैं, हम कुछ व्यापारियों से बातचीत करना चाहेंगे। और आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें, ताकि जो इनकी मांग है, जो कारण है इनका आज यहाँ पर अपनी दुकानें बंद कर धरने पर बैठने का, कहीं ना कहीं वो बात हम लोग अधिकारियों तक पहुँचा सके। कुछ व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कारण है आज आप लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बंद की हैं और आप लोग यहाँ बैठे? मैं तो पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूँगा कि जो जन जन तक, आम लोगों की सरकार तक, सरकारी प्रशासन तक हमारी बात पहुँचा रहा है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा है कि कल नगर निगम के अधिकारी आए थे और हमें 3 दिन का समय दे के हमारी दुकानों के बाहर नोटिस चिपका कर चले गए थे। हमें जब पता लगा कि स्कूल प्रशासन को ये नोटिस 26/9/2020 का दिया हुआ है और हमें 1 दिन की भी मोहलत, कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं, आए कि जी आप अपना टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाइए और नहीं तो हम आपकी दुकान सील कर देंगे। मैं सरकार से और उन अधिकारियों से पूछना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा, मतलब ये अंधा कानून हो गया है कि हमारी कोई जनता की सुनवाई नहीं रही। अधिकारी आते हैं, नोटिस चिपकाते हैं, पैसे जमा करवाओ, सरकार सिर्फ पैसा 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 कर रही है। हमें बता दें, कोरोना काल में वैसे ही काम नहीं है, हम पता नहीं अपना काम कैसे चला रहे हैं। सरकार को हम बिना तनख्वाह के सरकार के नौकर हैं, उनको टैक्स इकट्ठा करके देते हैं और हमारे से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब हमने स्कूल प्रशासन से कल बात की थी, आज उनके प्रधान जी का फ़ोन आया है कि मैं कल बाहर, वो दिल्ली रहते हैं शायद या चंडीगढ़ रहते हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कल आप लोग आ जाइए, हम बैठ के इस बात का समाधान निकालते हैं। मगर हमें ये गोली लग रही है, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती हमारा काम सिरे नहीं चढ़ता, हम अपनी दुकानें बंद रखेंगे और तब तक हमारा ये धरना जारी रहे। तो आप देख सकते हैं, जब तक कोई हल नहीं निकलता तब तक दुकानें बंद रखेंगे और जो ये धरना है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। कुछ और व्यापारियों से भी हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको वो नोटिस दिखाना चाहूँगी जो दुकानों के बाहर लगा दिया गया। जैसा कि इन सभी का कहना है कि कोई नोटिस इन्हें पहले नहीं दिया गया था, हालाँकि काफ़ी समय पहले स्कूल जो है उसको नोटिस दिया गया था, SD गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो की है उसको नोटिस दिया गया था, लेकिन दुकानदारों के पास कोई नोटिस नहीं आया था। और इस समय आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दुकान के बाहर जो है एक नोटिस लगा दिया गया है, सब्जेक्ट नॉन पेमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट प्रॉपर्टी टैक्स एज पर डिटेल्स गिवन बिलो इज पेंडिंग टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग देख सकते हैं जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो पेंडिंग है, ऐसा नोटिस दुकान के बाहर लगाकर जो है कल नगर निगम के अधिकारी चले गए थे। और उसके बाद सोमवार तक का समय इन्हें दिया गया है, वरना उसके बाद दुकान सील कर दी जाएगी, ऐसा कहा गया। आज आप लोग देख सकते हैं टिम्बर मार्केट जो है करनाल की, उनकी सभी शॉप्स फिलहाल आज बंद हैं। जो व्यापारी हैं सभी वो धरने पर बैठे और उनका यही कहना है कि जब तक इसका हल नहीं निकलता तब तक वे धरने पर बैठे रहेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स जो है स्कूल जो मैनेजमेंट है उनके द्वारा भरा जाना था लेकिन नहीं भरा गया, और जिसके चलते अब दुकानदारों तक भी जो है नोटिस नगर निगम के अधिकारी जो है देकर गए हैं, उनकी दुकानों के बाहर लगा कर गए हैं कि उन्हें सोमवार तक टैक्स भरना होगा वरना दुकानों को सील कर दिया जाएगा। कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ एक अपील करना चाहेंगे अधिकारियों से और पूरे इस मामले के बारे में क्या कुछ जानते हैं? देखिए, हमारी ये प्रार्थना है, जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये तो जिसकी प्रॉपर्टी है उसका ही बनता है। हम तो हर मंथ रेंट टाइमली देते हैं और जो टैक्स बनता है तो हमारे से कोई ऐसी बात तो हुई नहीं भी आपने टैक्स इसका अलग से देना पड़ेगा, या तो हमें कोई ऐसी मैसेज दिया हो, कोई सूचना दी हो भी ये हमारे पास नोटिस आया है, या तो हमें यहाँ इकट्ठा करते भी आप आके इसका सॉल्यूशन करो। ये थोड़ी होता भी एकदम आके आप यहाँ बैठ जाओ जी शटर बंद करो। पहले एक बार हमने कल थोड़ी देर शटर बंद भी करवा गए हमारे, फिर चलो रिक्वेस्ट करके उन्होंने फिर तीन दिन का हमें समय दिया भी हमें टैक्स चाहिए, हमें कोई मतलब चाहे स्कूल दे चाहे आप दो। पहले हमारी यही प्रार्थना है कि स्कूल वालों को, जो मैनेजमेंट कमेटी है SD सीनियर गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल की, उनको ये टैक्स पे करना चाहिए। हम तो जो सहयोग कर सकते हैं उनका यही है भी रेंट अगर कोई हमारे से एडवांस चाहिए हम दे देते हैं, मगर जो हमें ये बॉदरेशन हो रही है, दिक्कत हो रही है, दुकानें बंद हैं, इस समय एक एक वर्कर हमारे पास हैं उनको भी सैलरी देनी होती है, तो ये कहाँ से होगा। यही मेरी प्रार्थना है आपसे कि हमारी बात प्रशासन तक पहुँचाइए,
ताकि इसका जो सही हल है वो निकल सके। मेरा नाम सुभाष सलूजा है। तो ये आपने देखा, जैसा कि सर ने भी कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स जो कि स्कूल द्वारा भरा जाना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं भरा गया है, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों का यही कहना है कि वो स्कूल द्वारा भरा जाए, जब ये टाइम टू टाइम जो रेंट है वो अपनी शॉप का दे रहे हैं, तो आखिरकार इन्हें नोटिस क्यों आकर दिया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि नगर निगम की टीम जो है वो कल पहुंची थी, नोटिसेस दुकान के बाहर लगाए गए, सोमवार तक का समय भी दिया गया। हालांकि काफी समय से जो है प्रॉपर्टी टैक्स के लिए अधिकारियों पहले छूट भी दी गई थी पिछले साल, जैसे कि हमने आपको तस्वीरों में दिखाया था, उसके बाद अलग अलग जगहों पर नगर निगम की टीम जो है काफी बार जाती हुई नजर आई। प्रॉपर्टी टैक्स के पोस्ट डेटेड चेक्स भी लिए गए ताकि लोग जो है बाद में बैंक में डिपॉजिट करवाकर प्रॉपर्टी टैक्स भर सके, लेकिन आज टिम्बर मार्केट के जो व्यापारी हैं वो धरने पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स जो कि SD गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा भरा जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं भरा गया, और जिसके चलते इनकी दुकानों के बाहर भी जो है पोस्टर्स नगर निगम की द्वारा लगा दिए गए हैं कि या तो प्रॉपर्टी टैक्स सोमवार तक भरा जाए वरना दुकानों को सील कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों से यही अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो टैक्स है उसमें कहीं थोड़े समय तक और छूट दी जाए ताकि जो स्कूल की टीम है वो उन्हें भर सके, क्योंकि व्यापारी अपनी दुकानों के रेंट समय समय पर भर रहे हैं, जो भी उनकी पेमेंट्स है वो क्लियर कर रहे हैं, और जब तक ये पूरा मामला सॉर्ट आउट नहीं होता तब तक इनका यही कहना है कि इसी तरीके से धरने पर बैठे रहेंगे। हमारी आप लोगों से एक बार फिर से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अधिकारियों तक भी तस्वीरें पहुंच सके, और साथ ही साथ स्कूल मैनेजमेंट तक भी ये तस्वीरें पहुंच सके ताकि जो भी प्रॉपर्टी टैक्स उनका बकाया है वो जल्द से जल्द भरा जा सके, और जो दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसका जल्द से जल्द हल निकाला जा सके। उर्वशी चावला, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।